आक्रोश तो होना ही था, जो एक वाजिब हकदार था टिकट मांगने का, उसको टिकट नहीं मिला और पहले मेरे साथ बरधानी में बदमाशी हुई। ऐसे ही अब जाके फिर दोबारा मैंने वो टिकट में सर्वे सब रिपोर्टों के आधार पर मेरा टिकट था, उसके बाद मेरा टिकट काट कर और किसी एक व्यापारी को दे दिया गया जो यहाँ का कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। तो जनता का आक्रोश है और जनता की 36 को मेरे साथ में सबका प्यार है, आशीर्वाद है और निश्चित सफलता की ओर के पास मेरा लगभग तय है। मैं कोशिश करता हूँ और देखते हैं जनता का क्या रुख है। ये जनता को समर्पित सीट है, जो जनता निर्णय लेगी, 36 कौम जो निर्णय लेगी वही मेरा निर्णय। क्या लग रहा है यहाँ के जो विधायक है 10 साल से विधानसभा में है? 10 साल के शासन में कोई काम नहीं हुआ है, 10 साल का शासन बहुत बुरा गया है। जनता के जहाँ मालपुरा से छुट्टी माने यहाँ 199 विधानसभा का सेटलमेंट हो चुका है, पर मालपुरा का सेटलमेंट नहीं है। किसानों के नक्शे फटे हुए हैं, किसान वर्ग कोर्ट कचहरी में लुटा है। तो आप देखिए यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, रोडों की हालत बहुत बुरी है, पानी की किल्लत है, वो यहाँ दड़ी दोरी नहीं है। इसलिए जनता का आक्रोश था कि मैं अपना कोई बीच का आदमी, राजनीतिक आदमी जो स्थायी हो, हमारे बीच का हो और हमारे बीच में दुख और सुख में काम करे, वो हमारा नेता हो और वही हमारा विधानसभा का दृष्टि से बहुत आगे ले जाने का काम करूँगा। जहाँ महिला कॉलेज नहीं है, दोनों तरफ महिला कॉलेज, मेरे बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देने का मैं काम करूँगा, क्षेत्र को सदृढ़ और मजबूत करूँगा। रोडा रायसिंह ऐतिहासिक जगह है, यहाँ अगर पर्यटक स्थल से देखा जाए, अगर इसमें थोड़ा भी ध्यान दिया जाता है तो आज ये उदयपुर से एक उदयपुर के तर्ज पर विकासशील टोडा गढ़ होता विकासशील पर्यटक स्थल का, और इसे दूर किया गया है। मैं आपको कहना चाहूँगा इसे अनदेखी की गई है मालपा टोडा राइसिंग की, मैं अब अनदेखी नहीं देखने दूंगा और मालपा टोडा विधानसभा क्षेत्र की पूरी लड़ाई जनता की हित की लड़ाई और जनता के निर्देशानुसार उसकी लड़ाई लड़ूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं और लेट कालवी साहब लोकेंद्र सिंह जी का लड़का हूँ मैं। तो कालवी साहब ने जब बैंसला जी का गुजरों का आंदोलन हुआ था कुछ सालों पहले, तो गुजर शहीद भी हुए वहाँ, तो कालवी साहब एक अकेले थे दूसरी जाति के जो वहाँ गुजरों के पक्ष में गए और वहाँ पे सरकार हिली कि दोनों जाति एक होगी तो सरकार को बात माननी पड़ेगी और गुजरों ने दबाव बनाया सरकार पर, सरकार को बात माननी पड़ेगी। तो ये जो अभी विधानसभा क्षेत्र हुआ है, आज टोडा में इनका ऑफिस भी है, गोपाल धाबाई का ऑफिस का उद्घाटन है, तो यहाँ पे भी जनता ने तय किया है कि भाई पार्टियों की गुलामी नहीं करेंगे हम ये दूसरी जो भी बड़ी पार्टी है इनकी गुलामी नहीं करेंगे, तो हमारा निर्दलीय उम्मीदवार हमारा खड़ा करेंगे। ये उम्मीदवारी जनता ने खुद अपने लिए कि हमारा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके हमारी बात पहुंचे, पार्टी के दबाव में कोई भी हमारा उम्मीदवार नहीं हो, हमारी बात निष्पक्ष हो, हमारी बात पूरी ऊपर तक पहुंचे, तो सब ने ये तय किया है। तो उसमें सभी कौम साथ आई है, उसमें राजपूत कौम भी साथ आई है, सभी कौमें साथ आई है और 35-36 कौमें साथ आई है, और इस बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार उतार के पार्टियों की गुलामी नहीं करेंगे। बदलाव का मानस बना लिया, आप पिछले सालों से ओबीसी वर्ग, शोषित वर्ग, गरीब तबके के लोग जो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, और जनता ने भी मानस बना लिया इसको बदलाव करेंगे। मालपुरा की जनता और टोडा रायसिंह की जनता, इन्होंने कहीं को यहाँ से भेज दिया, बाहर के लोग आए उनको भी भेज दिया, जनता काफ़ी समझदार है और यहाँ का जो युवक है वो इस बात को समझ चुका कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बदलाव से ही उनका जीवन बन सकता है। क्योंकि एक समुदाय में ये लोग राजनीति से बहुत बाहुल्य है, राजनीतिक में, प्रशासनिक में, न्यायिक सेवा में जहाँ भी जगह होती है ये शाम धाम दंड बैठ करके अपना हक ले लेते हैं, और हमारी जो जाते हैं पिछड़ी वर्ग जो जाते हैं, शोषित है, गरीब है, सभी कौम के लोग वो इन चीजों से वंचित रह जाते हैं। तो इस वजह से ही लोगों ने अपनी बात मानस बना लिया कि मालपुरा का बदलाव जरूरी है।